गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अपन नेक्स्ट चैप्टर माय मम्माज लेटर, तो ये शुरू करते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1939, जो पर दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 में शुरू हुआ और एंड कंटिन्यूड टिल 1945 और 1945 तक चला। द प्रेजेंट इंसिडेंट इज सेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, और वर्तमान घटना इसी अवधि के दौरान के, मतलब जो हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो उसी दौरान लिखा गया था जिस दौरान दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है, आई स्टिल रिमेम्बर टू दिस डे माई मम्माज लेटर राइटिंग, मुझे आज भी याद है मेरी मम्मा का पत्र लेखन। इट बिगेन इन द विंटर ऑफ 1941, यह 1941 की सर्दियों में शुरू हुआ। एवरी नाइट, हर रात शी वुड सिट एट द बिग किचन टेबल, वह हर रात किचन की बड़ी टेबल पर बैठती। एंड कंपोज ए लेटर टू माई ब्रदर जॉनी, और मेरे बड़े भाई जॉनी को पत्र लिखती थी। वो हैड बीन ड्राफ्ट द प्रेसिडिंग समर, जिसे पिछली गर्मियों में तैयार किया गया था। एंड हैड नॉट बीन हियर्ड फ्रॉम सिंस पर्ल हार्बर, और पर्ल हार्बर के बाद से नहीं सुना था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पा रहा था व्हाई मम्मा केप्ट राइटिंग व्हेन जॉनी नेवर आंसर्ड, कि मम्मा मेरे बड़े भाई जॉनी को पत्र क्यों लिखती है जब उन्होंने कभी जवाब ही नहीं दिया। तो यू विल सी, आप देखेंगे, वी विल गेट ए लेटर फ्रॉम हिम, हमें उससे एक पत्र मिलेगा। शी इंस्टेड, उसे एक पत्र मिलेगा, उसने जोर देकर कहा। मम्मा सेड देर वॉज ए डायरेक्ट लाइन फ्रॉम द ब्रेन टू द राइटन वर्ड दैट वॉज एज पावरफुल एज एनी गॉड गिवन लाइट। ये कहता है कि मम्मा सेड देर वॉज ए डायरेक्ट लाइन, मम्मा ने कहा कि मस्तिष्क से लिखित शब्द द ब्रेन टू राइट इन वर्ड दैट वॉज एज पावरफुल, कि दिमाग से लिखे गए शब्द एक सीधी रेखा थी जो किसी भी गॉड इवन लाइट, मतलब कि भगवान के द्वारा प्रदत्त प्रकाश की तरह शक्तिशाली थी। शी वॉज काउंटिंग ऑन दैट लाइट टू फाइंड जॉनी, और वह जॉनी को खोजने के लिए उस प्रकाश पर भरोसा कर रही थी। ठीक है, वह दर्शी सेड दिस इज टू रिश्योर हर सेल्फ और पापा और ऑल ऑफ अस, उस पर चाहे उसने खुद को या पापा या हम सभी को भरोसा दिलाने के लिए ऐसा कहा हो। I don't know, मुझे नहीं पता। I do know it helped hold us together, पर लेकिन इसने हमें एक साथ रहने में या रखने में मदद की थी। एंड वन डे, और एक दिन ए लेटर डिड अराइव, और एक पत्र आया। जॉनी वॉज एलिव इन साउथ पैसिफिक, जॉनी दक्षिण प्रशांत में जीवित था। ठीक है, इट ऑलवेज अम्यूज्ड मी दैट मम्मा सिंग हर लेटर्स सिसिलिया कैपुजी, यह हर बार मुझे आश्चर्यचकित करता कि मम्मा अपने साइन सिसिलिया कैपुजी के नाम से करती हैं। एंड आई टीज्ड हर अबाउट इट, और मैं इसके बारे में उनको चिढ़ाता, वाई नॉट जस्ट राइट मम्मा, कि आप मम्मा क्यों नहीं लिखती। वट आई हैड नॉट नाउ वॉज दैट सी ऑलवेज थॉट ऑफ हर सेल्फ एज सिसिलिया कैपुजी, मुझे नहीं पता था कि वह हमेशा खुद को सिसिलिया कैपुजी के बारे में सोचती थी, नोट मम्मा, मम्मा के बारे में नहीं। आई बिगेन टू सी हर इन न्यू लाइट, मैंने उनको नई रोशनी में देखना शुरू किया। एंड दिस पेटिट वुमेन, इस खूबसूरत महिला ने, हु इन हील्स स्केयरसली मेजर 150 सेंटीमीटर, इस खूबसूरत महिला ने जो उनकी ऊंची एड़ी के जूते में 150 सेंटीमीटर मापा। सी वोर नो मेकअप, उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया। एंड नो ज्वेलरी एक्सेप्ट फॉर ए येल्लो गोल्ड वेडिंग बैंड, और शादी के एक बैंड के अलावा उन्होंने कोई भी आभूषण नहीं पहने थे। हर हेयर वॉज फाइन, उनके बाल ठीक थे, स्ट्राइट एंड ब्लैक सीधे और काले। एंड टाइड इन ए बन दैट सी रिफ्यूज टू कट और पर्म, और उन्होंने एक अच्छी तरह बांधे हुए और उन्हें जिन उन्होंने काटने के लिए मना कर रखा था। हर टाइम स्पेक्टल्स विद द सिल्वर फ्रेम से पिंच हर नोज, और उनके एक छोटे चश्मे ने, चांदी के फ्रेम वाले छोटे चश्मे ने उनकी नाक में दम कर रखा था। आफ्टर से फिनिश्ड लेटर, एक पत्र समाप्त करने के बाद, मम्मा गेव
इट टू पापा टू मेल, मम्मा ने पापा को मेल करने के लिए दिया। देन सी वुड पुट ऑन द कॉफी पॉट, और फिर वह कॉफी पॉट पर बैठ गई। एंड वी वुड सिट अराउंड द टेबल, और हम सभी उस टेबल के चारों ओर बैठ गए। टॉकिंग अबाउट द गुड टाइम्स, अच्छे समय के बारे में बात करते हुए। वैन देर वर 10 ऑफ सिटिंग देयर, हम में से 10 वहाँ बैठे थे। पापा मम्मा एंड 8 चिल्ड्रन, पापा मम्मा और 8 बच्चे, 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल, यह संभव नहीं था कि दैट एवरीवन हैड गोन अवे, कि हर कोई टू वर्क और टू वार और टू गेट मैरिड, कि हर कोई यह संभव नहीं था कि हर कोई काम करने या युद्ध करने या शादी करने के दूर चला गया हो। एवरीवन एक्सपेक्ट मी, मेरे सिवा सब लोग। बाय स्प्रिंग टाइम वसंत ऋतु तक मम्मा हैड एडेड टू मोर सन्स टू हर लेटर राइटिंग लिस्ट। मम्मा ने अपने पत्र लेखन की सूची में 2 और बेटों को जोड़ा था। एवरी नाइट सी वुड कंपोज 3 डिफरेंट लेटर्स, हर रात वह 3 अलग अलग पत्रों की रचना करती, मतलब पत्र बनाती लिखती। देन पास देम टू पापा एंड मी टू एड आवर ग्रीटिंग्स, और फिर उन्हें पापा और मुझे मुझसे पास करने के लिए हमारा अभिवादन करती। बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके न्यूज ऑफ मम्माज लेटर ट्रेवल्ड, मम्मा के पत्रों की यात्रा की खबरें चलने लगी। वन मॉर्निंग ए लिटिल वूमेन, एक सुबह एक छोटी सी महिला विद गन मेटल ग्रे हेयर क्नॉक ऑन द आवर डोर, एक सुबह एक छोटी महिला आई जिसके बाल धूल से सने हुए थे और हम गेट पर दस्तक दी। हर वॉइस ट्रम्बल्ड व्हेन शी आस्क्ड, उसकी आवाज कांप उठी। इट इज ट्रू दैट यू राइट लेटर्स, क्या यह सच है कि आप पत्र लिखते हैं। आई राइट टू माई सन्स, मैं अपने बेटों के लिए लिखती हूँ। एंड यू रीड टू, और क्या आप पढ़ेंगे। द वूमेन विस्पर्ड, महिला फुसफुसाई। सी सी यस यस हाँ। द वूमेन ओपन हर शॉपिंग बैग, महिला ने अपना शॉपिंग बैग खोला। एंड पुल्ड आवर स्टैक ऑफ एयरमेल लेटर्स, और एयरमेल पत्रों का ढेर निकाल दिया। रीड रीड पढ़ो, रीड टू मी, कृपया इन्हें पढ़िए प्लीज कृपया। द लेटर्स वर फ्रॉम द वूमेन्स सन फाइटिंग इन यूरोप, पत्र यूरोप में लड़ रहे महिला के बेटे के थे। ए बॉय विद रेड हेयर हु, उसके लाल बाल वाला लड़का, मम्मा रिमेम्बर्ड, मम्मा को याद है। यूज टू सिट ऑन आवर फ्रंट स्टेप्स विद माई ब्रदर्स, जो मेरे भाइयों के साथ हमारे सामने बैठता था। वन बाय वन एक एक करके मम्मा रीड द लेटर, मम्मा ने पत्रों को पढ़ा। ट्रांसलेटिंग देम फ्रॉम इंग्लिश टू इटालियन, और उन्हें अंग्रेजी से इटालियन में अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया। द वुमेन्स आईज मिस्ट एंड स्पार्कल्ड, महिला की आंखें फटी की फटी रह गई। आई मस्ट आंसर, मुझे जवाब देना था, मुझे जवाब देना चाहिए। सी सैड, उसने कहा। बट वट वर्ड्स टू यूज, कि उसने कहा, लेकिन क्या शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मेक सम कॉफी तभी, कुछ कॉफी बनाओ तभी। मम्मा कॉल्ड टू मी, मम्मा ने मुझे बुलाया। एज सी लेड द वूमेन टू द किचन एंड द चेयर एंड द टेबल, मम्मा ने मुझे बुलाया और कहा कि इस महिला को और चेयर और टेबल को किचन रसोई में ले आओ। शी टुक आउट हर पेन एंड इंक एंड एयर मेल पेपर एंड बिगेन टू राइट, उन्होंने अपनी कलम और स्याही और एयर मेल पेपर निकाला और लिखना शुरू किया। व्हेन सी हैड फिनिश्ड, जब वह समाप्त हो गया। सी रीड द लेटर टू द वुमेन, और उन्होंने महिला के पत्र को पढ़ा। हाउ डिड यू नाउ, आपको कैसे पता चला। आई वॉन्टेड टू से दैट, कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। आई ऑफन स्टेयर टू एट माई बॉयज लेटर्स, कि मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। द सेम एज यू एंड आई वंडर वट टू राइट, कि मैं अक्सर अपने लड़कों के पत्रों को देखता हूँ जो आपके जैसा है, और मुझे आश्चर्य है कि मुझे क्या लिखना है। सून द वूमेन रिटर्न्ड विद ए फ्रेंड, जल्दी ही वह महिला वापस आई अपने दोस्त के साथ। एंड अनदर एक और
ऑल विद द सन्स एट वार। वह महिला जल्दी एक दोस्त के साथ और एक और सभी युद्धों में बेटों के साथ विद सन्स वार ऑल इन नीड ऑफ लेटर्स और सभी पत्रों को साथ लेकर वापस आई। मम्मा हैड बिकम द नाइबर हुड लेटर राइटर। मम्मा पड़ोस की चिट्ठी लेखिका बन गई थी। समटाइम्स सी वुड स्पेंड ए होल डे इन राइटिंग। कभी कभी वह पूरा दिन लेखन में ही लगा देती। मम्मा प्लेस्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑन पीपल सिंगिंग इन देयर नेम्स। मम्मा ने अपने नाम पर हस्ताक्षर करने वालों पर बहुत महत्व दिया। द लिटल वुमेन विद द ग्रे हेयर आस्क्ड। छोटी महिला भूरे रंग वाले भूरे बालों वाली छोटी महिला आस्क्ड मम्मा टू टीच हर। मम्मा से कुछ सिखाने के लिए कहा। आई वॉन्ट टू लर्न टू राइट माई नेम फॉर माई बॉय टू सी। मैं अपने लड़के को देखने के लिए अपना नाम लिखना सीखना चाहती हूँ। सो मम्मा टुक द वुमेन। इसलिए मम्मा ने महिला का हाथ वुमेन हैंडेड इन हर्स एंड लेड इट अप एंड डाउन एंड अराउंड ऑन पेपर। तो मम्मा ने उस महिला का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर नीचे किया और कागज़ पर चारों ओर और ऊपर नीचे किया ओवर एंड ओवर और जब तक अनटिल शी कुड नॉट इट विदाउट हेल्प। और जब तक करती रही जब तक कि वे खुद अपने आप पे अपना नाम नहीं लिख सकती थी। आफ्टर दैट इसके बाद वेन एवर मम्मा रोट इसके बाद जब भी मम्मा ने उनके लिए पत्र लिखा लेटर फॉर हर द वुमेन सिंग्ड हर नेम एंड स्माइल्ड। और महिला ने अब उसके नाम पर हस्ताक्षर किए और मुस्करा दी। वन डे एक दिन शी केम टू आवर हाउस एंड विद वन लुक मम्मा न्यू दैट वट हैड हैपन्ड। एक दिन वह हमारे घर पर आई और उसकी एक नज़र से मम्मा को पता चल गया कि क्या हुआ है। ऑल होप एंड गॉन फ्रॉम हर आइज। सारी उम्मीद उसकी आँखों से जा चुकी थी। दे सेट टूगेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। वे लंबे समय तक एक दूसरे के साथ बैठे रहे। एंड देयर देयर हैंड्स टचिंग एंड देयर हार्ट लॉक एज वन। स्पर्श करने वाले हाथ और उनके दिल एक के रूप में बंद। देन मम्मा सेड तब मम्मा ने कहा लेट्स गो टू चर्च। चलो चर्च जाते हैं। देर आर सम थिंग्स टू बिग फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। कुछ समझने के लिए कुछ चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं। वेन मम्मा केम होम तब जब मम्मा घर आई सी कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग एक्सपेक्ट द बॉय विद द रेड हेयर। वह केवल लाल बालों वाले लड़के के सिवा कुछ नहीं सोच रही थी। आफ्टर द वार मम्मा पुट अवे पेन एंड पेपर। युद्ध के बाद मम्मा ने कलम और कागज को हटा दिया। फिनिटो फिनिश्ड फिनिटो समाप्त सी सैड उन्होंने कहा। बट सी वॉज रॉन्ग कि लेकिन वह गलत था। द वुमेन हु हैड कम टू हर विद देयर सन्स मेल नाउ रिटर्न्ड विद लेटर फ्रॉम देयर रिलेटिव इन इटली। जब मम्मा घर आई तो मम्मा ने कहा कि जो महिलाएं अपने बेटों के मेल से उनके पास आई थी वे अब इटली में अपने रिश्तेदारों के पत्र लेकर लौटी हैं। दे ऑल्सो केम टू हर फॉर हेल्प इन बिकमिंग अमेरिकन सिटीजन्स। अमेरिकी नागरिक बनने में मदद के लिए वे उसके पास भी आए। मम्मा वंस कन्फ्यूज्ड दैट सी हैड ऑलवेज ड्रीम्ड फॉर राइटिंग इन नॉवल। मम्मा ने एक बार माना कि उन्होंने हमेशा नॉवल उपन्यास लिखने का सपना देखा था। व्हाई डिड नॉट सी वह क्यों नहीं। आई आस्क मैंने पूछा। एवरीवन हैज ए पर्पोज इन लाइफ। हर किसी का जीवन में एक उद्देश्य होता है। शी सेड उन्होंने कहा माइंड सीम्स टू बी लेटर राइटिंग लेकिन मेरा पत्र लेखन लगता है। शी ट्राइड टू एक्सप्लेन हर जील फॉर इट। उसने इसके लिए अपना जोश समझाने की कोशिश की। ए लेटर पुल्स पीपल टूगेदर नथिंग एल्स। एक अक्षर लोगों को कुछ नहीं इस तरह खींचता है। इट कैन मेक योर क्राई और शाउट विद जॉय कि वह या तो खुशी से चिल्ला सकता है या रो सकता है। देर आर
नो फाइनर केयरस ए लव लेटर, एक प्रेम पत्र की तुलना में कोई महीन नहीं है, बिकॉज इट मेक्स द वर्ल्ड वेरी स्मॉल, क्योंकि यह दुनिया को बहुत छोटा बनाता है. एंड द राइटर एंड रीडर द ओनली रूलर्स, और लेखक और पाठक केवल शासक हैं. गर्ल ए लेटर इज ए लाइफ, लड़की पत्र जीवन है. मम्माज लेटर आर ऑल गोन नाउ, मम्मा के पत्र अब सभी जगह गए हैं. येट द रेसिपेंट्स स्टिल टॉक फॉर हर, फिर भी प्राप्तकर्ता अभी भी उनके बारे में बात करते हैं. कैरिंग मेमोरीज ऑफ हर लेटर्स, अपने पत्रों की यादों को नेक्स्ट टू देयर हार्ट्स, अपने दिलों के बगल में ले जाते हैं.